φρούτε τα λίγα. Μετά. Ζερούρι και σου. Ζερούρι και τερά. इस गेम के लिए पागल था मैं, बहुत मना करती थी भाइयों मत के लेकर, तो मेरे को डांटता था वो दूसरा से इस गेम के लिए पागल था। खेलता था वो, बस जब फ्री रहता था तभी लेके बैठ जाता था पबजी। मेरे पास एक बच्चे को लाए थे, मुस्लिम बच्चा था और करीब 16 17 18 साल का था, और सडनली उन्होंने, पूरे परिवार ने मुझे ये बताया कि साहब बच्चा कोई गेम खेल रहा था और उसके ईयर प्लग लगे हुए थे, और सडनली वो थोड़ा सा चिल्लाया कि ब्लास्ट हो जाएगा और वो एकदम गिर गया, और तुरंत उसको उठा के आपके हॉस्पिटल में लेके आ गए। जब मैंने देखा तो न तो बच्चे की नाड़ी थी न ब्लड प्रेशर था, तो हमने तुरंत उसको इमरजेंसी रूम में लिया और रिससिटेशन प्रोसीजर शुरू कर दिया। एक डीसी शॉक नाम की एक इलेक्ट्रिक मशीन होती है जो कि सडन कार्डिक अरेस्ट इन बच्चों में ऐसा हो जाता है, उसको हमने 3-4 बार उसको दिया और रिससिटेशन की सारी प्रोसीजर करी, लेकिन बच्चों को हम रिवाइव नहीं कर पा सकते। ये हमारे लिए बड़ा दुख का विषय है। ऐसा जो उनके पेरेंट्स से पूछने पर आया है कि वो एक कोई पबजी गेम कभी 2-2.5 घंटे से खेल रहा था, और उस गेम में, उस गेम की ये विशेषता होती है, उसमें इतना एक्साइटमेंट हो जाता है कि बच्चा उस कैरेक्टर में घुस जाता है और ऐसा लगता है कि जो कैरेक्टर के साथ हो रहा है वो उसके साथ ही हो रहा है, और उस एक्साइटमेंट में वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि उसमें सडन कार्डियक अरेस्ट होने की पूरी संभावना रहती है। तो मेरा सभी पेरेंट्स से और सरकार से भी अनुरोध है कि इस तरह के बच्चों के गेम पे रोक लगाना चाहिए, और कोई बच्चा इस जरूरत से ज़्यादा इस तरह के गेम देख रहा हो तो उसको इस चीज़ से हटाना चाहिए।